हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, केम छो, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज के ब्लॉग के बारे में मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। आज डे टू है और मैंने जो डिसाइड किया था कि मैं डेली ब्लॉग्स बनाऊंगा, और वो वाकई में बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज है, बिकॉज मैं मेरी लाइफ बहुत प्राइवेट रखने वाला पर्सन हूँ। लेकिन अब से आप लोग मेरे साथ साथ रहेंगे, मतलब मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानने वाले हैं आप लोग। ये आजकल सुबह सुबह व्लॉग बनाने के चक्कर में बोलना ही भूल जाता हूँ यार, आप लोगों का वेलकम ही करना भूल जाता हूँ ढंग से। सुबह सुबह व्लॉग बनाने का मतलब ये होता है कि पहले मुझे गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा, फिर मुझे नमस्ते बोलना पड़ेगा, फिर मुझे सत श्री अकाल बोलना पड़ेगा, फिर मुझे अस्सलाम वालेकुम बोलना पड़ेगा, फिर मुझे केम छो बोलना पड़ेगा। तो अब एक काम करते हैं कि अपन अपने तरीके से करते हैं। सो हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप शर्मा एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल बी द चेंज। तो अब जो बात आने वाली है 30 दिन के व्लॉगिंग के बारे में, जो मेरे माइंड में सबसे पहली चीज़ क्लिक हुई कि मैं करने क्या वाला हूँ, तो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने मेरे माइंड में सेट किया है वो है कीप इट सिंपल, बिकॉज मैं व्लॉग जितना सिंपल और रियलिस्टिक रखूँगा उतना ज़्यादा आप लोगों को मेरे हिसाब से पसंद आएगा। और देखो, फेक लाइफ तो कोई भी दिखा सकता है थोड़ा सा पैसा खर्च करके, सब कुछ करके, बट जो रियल स्ट्रगल है ना वो आपका भाई दिखाएगा आपको। कौन दिखाएगा? आपका भाई, आपका भाई। तो जो आज मॉर्निंग में सुबह सुबह 9 बजे तैयार होने का रीज़न है वो एक ही रीज़न है कि मुझे भाभी को लेके डॉक्टर के जाना है, मतलब रेगुलर चेकअप के लिए, और उसके बाद मुझे एक छोटा मोटा काम है वो निपटाने हैं। तो चलिए मेरे साथ, और कोई रास्ता है मेरे पास आपको छोड़ के जाने का? नहीं ना, तो चलना ही पड़ेगा फिर। या स्टार्ट करी थी सुबह 9 बजे और अभी हो रहे हैं शाम के 6 बजे। आखिरी शॉट जो आपने देखा वो था इस रोड से, मतलब मेरे घर के बाहर से रोड पर निकलते हुए गाड़ी के अंदर, और अगला शॉट जो देख रहे हैं वो शाम के 6 बजे का है। और 6 बजने पर जो मैंने दिन भर किया वो सब बूम बूम। तो अब हम व्लॉग बना रहे हैं तो हमको स्टोरी तो बतानी पड़ेगी, स्टोरी बताना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को जब तक मज़ा नहीं आएगा, जब तक मैं सुबह से लेकर के शाम तक क्या हुआ, जब तक आपको ये नहीं बताऊंगा। तो मैं भाभी को लेकर के गया, और जब मैं फ्री हुआ तो मैंने घड़ी देखी, तो उस वक्त जो टाइम हो रहा था वो लगभग 2:30 के आसपास हो रहा था। तो हम घर आए, खाना वगैरह खाया, खाना खा करके मैं सो गया। सोचा कि शाम में जब अब उठ गए हैं तो अब ब्लॉग कंटिन्यू कर लेते हैं। तो मैं अपना कैमरा लेकर के बाहर निकला, जब मैं कैमरा लेकर बाहर निकला तो मैंने देखा कि सूरज देवता तो जा चुके हैं, थोड़ा जल्दी में थे आज। फिर मुझे याद आया कि सर्दियों के दिन हैं, उनकी ड्यूटी कम रहती है, 8 घंटे भी ड्यूटी पूरी नहीं करते हैं अपनी। तो बस इतना समझ लीजिए, डेली व्लॉग नहीं है आसान, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। तो जो डेली व्लॉग्स हैं वो वाकई में इतना आसान नहीं है। अगर आप भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं और अगर आपके माइंड में आ रहा है डेली व्लॉग, तो मेरे भाई इतना ध्यान रखना, आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होना चाहिए, आप फुल टाइम यूट्यूबर होने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, लाइफ जैसे एक्टिक है ना, इसके साथ इस चीज़ को मैनेज करना बहुत हार्ड हो जाएगा। मैंने कल सोचा था कि बहुत इजी होगा, अरे कर लेंगे अपन ऐसे डेली व्लॉग, तो बहुत इजी काम है भाई, ऐसे बनाएंगे, ऐसे एडिट करेंगे और ऐसे पोस्ट कर देंगे, आप लोग भी खुश और मैं भी खुश। कल जो आपने व्लॉग देखा था उसका रिस्पॉन्स जो देखा, वाकई में बहुत लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ देम जिन्होंने मुझे प्रेज़ किया, मुझे मोटिवेट किया अपने अच्छे अच्छी लाइन्स के साथ।
मैं 5 मिनट का, 7 मिनट का, 8 मिनट का मेरा वीडियो देख करके आप लोग रिस्पॉन्स करें नहीं करें, पर अगर आप एक लाइक कर देते हो ना, लिटरली बता रहा हूँ, दिल को बहुत अच्छा लगता है। एक 7 घंटे के अंदर एक 20 लाइक भी आना ना, मेरे लिए इस वक्त बड़ी बात है, क्योंकि आई नो मैं अभी मेरी शुरुआत है। और देखो, नया नया कोई भी होता है ना, इंसान को समय लगता है। और किसी महान आदमी ने कहा है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वुमेन्स ऑल्सो। बस एक सबसे बढ़िया और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, पर माँ के स्वैग के आगे ना सब फेल होते हैं। सेम अपने साथ सीन हुआ। आज सुबह का आपको एक किस्सा बताता हूँ। आज सुबह आपने मुझे देखा होगा, सेम इसी ब्लॉग के अंदर आपने देखा होगा, मैं शूज बांध रहा हूँ। तो उस टाइम पर मेरे साथ एक चोट हुई। मैं गेट से बाहर निकला, मैंने सोचा कि घर से निकलते हुए एक शॉट लूंगा। मैंने कैमरा वगैरह लगाया, मम्मी आई गेट बंद करने, मम्मी वहीं खड़ी रही। मैंने बोला, मम्मी आप आ रहे हो, कैमरे में आ रहे हो, रिकॉर्ड हो रहे हो, आप रिकॉर्ड हो रहे हो। बट मम्मी उस वक्त थोड़ा सा पीछे हो गई, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अपन थोड़ा सा कैमरा और ढंग से एडजस्ट करा। मैंने कहा, मम्मी आप फिर से आ रही हो, तो मैंने सोचा अब मैं अंदर जा करके वापस बाहर आऊँगा, थोड़ा सा एक शॉट बनाऊँगा यार बढ़िया सा। लेकिन हुआ क्या, मम्मी ने मुँह पर गेट बंद कर दिया भाई, मुँह पर एकदम गेट। मम्मी शॉट तो लेने दो, शॉट तो लेने दो। मम्मी ने बोला, चल निकल, चल निकल पहली फुर्सत से। मैंने जो स्टार्टिंग में व्लॉग बनाना और उनको एडिट करना चालू किया था, तो मुझे समय लगता था लगभग 10 घंटे, और आज जो मुझे समय लगता है लगभग 6 घंटे के अप्रोक्स।